अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। खबर आ रही है गुजरात के नर्मदा जिले के गरुड़ेश्वर से। यहाँ पिपरिया गांव के लोगों ने नर्मदा प्रोजेक्ट पावर हाउस को आवेदन पत्र दिया है। लोगों का कहना है कि वेयर डैम की ऊंचाई बढ़ जाने से उनकी खेती को नुकसान हो रहा है। समस्या के बारे में कचहरी के अधिकारियों को शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन आज दिन तक किसी भी सरकारी अफसर ने उनकी बात पर गौर नहीं किया है। वहीं डैम की ऊंचाई बढ़ जाने से खेतों में पानी घुस गया और पूरी फसल नष्ट हो चुकी है, जिसके चलते किसानों को बड़ी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि कचहरी के अधिकारी किसानों की बात को गंभीरता से लेते हैं या नहीं। गुजरात सरकार किसानों के लिए काम भी कर रही है और योजनाएं भी ला रही है, लेकिन उनका लाभ किसानों को मिल पा रहा है या नहीं, यह देखना कर्मचारियों का दायित्व तो बनता है। इंडिया खबर लाइव के लिए नर्मदा से गौतम व्यास की रिपोर्ट। हमारू वीयर डैम में पानी जत्थो होवा थी ऊपर थी पानी छोड़ू उपला डैम में, एटले अमारा पूरा खेतरो डूबी गया। अमारे ना साचवा जवाय, मगरमच्छ पड़ी रहे, ए डर, घास जाड़ो ढोड़ो नहीं जाओ, ए अगलू ट्रेक्टर ना जाए, जोतरी ना जाए, एवो अमारे किसान बहनों ने टापू में फेरवाई गई बाकी रहती जमीन। वीएडमां संपादन थई तो थई पण टापूमां बधी जमीन फेरवाई गई। આજ સુધી અમારી કોઈ ખબર અંતર લેવા આવ્યો નથી। આ બાબતે તમે કઈ કઈ જગ્યાએ રજૂઆત કરી? આ જગ્યાએ અમે તલાટી સરપંચને રજૂઆત કરી સાહેબ। તેમના તરફથી તમને કેવો પ્રતિભાવ મળ્યો? પ્રતિભાવ એટલે એ લોકોએ એ કાગળિયા તમારા કરીએ એવું કીધું, જે કંઈ મળવાપાત્ર છે સરકારના રાહે તે મળશે એવું કીધું। આ ઘટનાને કેટલો સમય થયો? આ ઘટનાને 45 દિવસ થી જે પાણી ભરાઈ ગયું અમારા ખેતરમાં। તો અત્યારે તમે ક્યાં આવ્યા છો અને શા માટે આવ્યા છો? અમે કેવડિયા પ્રોજેક્ટમાં જ આવ્યા છે અને અરજી લખીને અમે આપી છે બધાને।